आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, वहीं इससे आम आदमी को एक दिन की राहत भी मिली। एक दिन की राहत के बाद फिर आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत में 7.20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत पहले ही 100 रुपए पर पार कर चुकी है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में एक लीटर पेट्रोल का दाम 115 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 80 पैसे उछाल के बाद 102.61 रुपए प्रति लीटर पर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत में भी प्रति लीटर 80 पैसे का उछाल आया है। डीजल की नई कीमत आपको बता दें 93.87 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में तेल की कीमतों में प्रति लीटर 85 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 117.57 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल के लिए 101.79 रुपए प्रति लीटर देने होंगे। वहीं कोलकाता में प्रति लीटर 84 पैसे कीमत बढ़ने के बाद पेट्रोल की कीमत वहां पे 112.19 रुपए प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत वहां 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ने के बाद 97.02 रुपए प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल डीजल की कीमत 76 पैसे प्रति लीटर बढ़ने के बाद नई कीमत 108.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो ये थी बात कि पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं और आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा देखने को मिला है। बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।